हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं MCA के बारे में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी कोर्स डिटेल के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं MCA एंट्रेंस देने के लिए, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं MCA करने के लिए, प्लेसमेंट कैसा जाता है MCA करने के बाद, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है कि एक बार आप MCA कंप्लीट कर लेते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि MCA किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज रिलेटेड टू MCA आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो बने रहिएगा, डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलता चला जाएगा। मैं बता दूँ आपको कि मैं इस चैनल पे एजुकेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित गुप्ता, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रोहित जीज काउंसलिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCA के बारे में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है। ये आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 ईयर्स का डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट, वेदर इट बी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कोई भी ग्रेजुएट MCA कर सकता है। फाइनल ईयर में अपियरिंग होगा तो ही कैन डू एन MCA। MCA में एक और कंडीशन है कि आपके 12th में या तो इट इज़ देयर मैथ्स आपके पास होनी चाहिए 12th में, या एनी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए MCA करने के लिए। बस ये एक एलिजिबिलिटी पार्ट है जिसमें मैथ्स होनी चाहिए इन योर 12th और इन एनी ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। मोस्टली स्टूडेंट्स का परसेप्शन होता है कि MCA करने के लिए साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी स्टूडेंट्स भी MCA कर सकते हैं। बस एक कंडीशन होती है कि मैथ्स या तो आपके पास 12th में होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, या ग्रेजुएशन किसी भी ईयर में आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, देन यू कैन डू MCA। इसलिए अब आते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि MCA में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 3 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर्स में फोकस कराया जाता है सारे सब्जेक्ट्स में, कॉमन सब्जेक्ट्स में। सेकेंड टू फिफ्थ सेमेस्टर्स में फोकस कराया जाता है कोर सब्जेक्ट्स में, जो आपके स्पेशलाइजेशंस होते हैं। फिर जो आपका 6 सेमेस्टर्स आता है, फिर आपके 6 सेमेस्टर्स में प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप आपको दी जाती है, प्लेसमेंट का कंपनीज़ बुलाई जाती है, प्लेसमेंट भी होता है उसमें, और आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। जो लास्ट सेमेस्टर है हमारा 6 सेमेस्टर्स, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है, इलेक्टिव चूज़ करना होता है कि आप किस फील्ड में MCA में जाना चाहते हैं। जो इलेक्टिव्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, इंटरनेट हार्डवेयर एक्सेट्रा। बहुत सारे सब इलेक्टिव्स होते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्टिव्स होते हैं जो आप जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं एज अ करियर। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन के लिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके IIT जैम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है। देन उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया MCA कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। ये कुछ यूनिवर्सिटी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बहुत कॉमन है और ये टॉप कॉलेजेस के लिए होते हैं, तो ये होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल और लोकल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी आपको कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम्स। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स थे जो होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम्स का पार्ट। फ्रेंड्स, अगर अब हम बात करें बेस्ट कॉलेजेस के बारे में कि कहाँ से आप MCA कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कुछ कॉलेजेस हैं,
कॉलेजेस तो बहुत सारे, लेकिन मैं हमेशा टॉप के कॉलेजेस ही आपको बताता हूँ, जैसे NIT तिरची हो गया, NIT वरंगल हो गया, NIT सूरतकल हो गया, JNU दिल्ली हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया। ये कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत टॉप पे हैं और बहुत अच्छा स्कोप है MCA करने का। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यू कैन ट्राई फॉर योर पर्टिकुलर स्टेट या आपकी सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि आप अगर MCA कर लेते हैं तो आपके कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ स्कोप होता है आपका। मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार, आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में, तो आप के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आप अपॉर्चुनिटीज़ की बता दूँ फ्यूचर कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एनालिस्ट बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजिशंस होती हैं, बहुत सारा स्कोप होता है, बहुत सारी टैलेंट्स होते हैं जहाँ पर आप अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मैंने कुछ बताए पोजिशन जहाँ पर आप कर सकते हैं, फ्यूचर आपका कहाँ पे, किस पोजीशन पे है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पे पैकेज के बारे में, पैकेज कितना मिलता है। देखिए, पैकेज डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है, आपका कॉलेज किस लेवल का है और कंपनीज कौन से लेवल की वो बुलाता है। अगर अच्छी कंपनी है, कॉलेज बहुत अच्छा है और आपकी प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी है, तो आपका जो मिनिमम इनिशियल पैकेज स्टार्ट होगा वो होगा फ्रॉम 8 to 12 lakhs पर एनम। लेकिन आपकी अगर प्रोग्रामिंग एवरेज है, कॉलेज भी एवरेज है, तो आपका मिनिमम जो इनिशियल पैकेज स्टार्ट होगा वो अराउंड होगा 3 to 5 lakhs स्टार्टिंग होगी पर एनम की। बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रामिंग, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपकी नॉलेज कैसी है और आपको कंपनी कैसे आती है कैंपस में प्लेसमेंट के लिए, डिपेंड करता है उस पर सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसको करना चाहिए MCA, किसको नहीं करना चाहिए। अगर आपका रियली में इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, लैंग्वेजेस में, वेबसाइट बनाने में, तभी आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वहाँ पे स्टडी नहीं कर पाओगे, प्रॉपर फोकस नहीं कर पाओगे अपने टारगेट पे। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो MCA के लिए, जिसमें मैंने कुछ हद तक आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो डू गिव मी फीडबैक इन माय कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो। शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन इन योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलते रहें। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।